बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि बहुत से भाई कमेंट करते हैं, भाई मेरा दो ही काम खत्म है, तीन ही चार ही काम खत्म है, ये मेरा भाई हरूब लगा हुआ है सऊदी, यानी मतलूब किया हुआ है मुझे। तो भाई मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, इंडिया जाना चाहता हूँ, बांग्लादेश जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे कोई हल बता दीजिए। इसके मतलब इंशाल्लाह ताला भाई उस डिटेल से एक वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन ये वीडियो है इससे भी आप भाइयों को यकीनन फायदा होगा। बात करेंगे खुरुजन हाई के मुतल्लक। खुरुजन हाई के मुतल्लक आप सब भाइयों को पता होगा जी। खुरुजन हाई ये होता है कि भाई इधर से आप जाएं, आप एक माह बाद, 15 दिन बाद, 2 माह बाद नया वीजा लेकर सऊदी अरबी में दोबारा भी आ सकते हैं। इसके मुतल्लक कोई किसी किस्म की आपके ऊपर पाबंदी नहीं होती है, वरना आपको पता ही 3 साल की पाबंदी तो मामूली है। तो अगर आप भाई वैसे छुट्टी पर गए नहीं आते हैं, या कोई आपके ऊपर ये इधर से खरूज लग जाता है कोई केस वगैरह के मुतल्लक या कोई और मसले के मुतल्लक, तो फिर आपको भाई 5 साल के लिए बैन किया जाता है। बात कर लेते हैं आज के भाई खुरुजन हाई के मुतल्लक। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप में से बहुत से बंदे ये बातें सुन रहे होंगे जो भाई जाना चाहते हैं कि वो बंदा भाई 5,000 ले रहा है, 3,000 ले रहा है, बाहर से ही काम कर देता है, आप जाएं आपको कोई मसला ही नहीं है, ये है वो है, उसके मुतल्लक मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन ऐसी बातें बहुत होती हैं जी, उसके मुतल्लक ऐसी बातों के मुतल्लक इल्म मैं रखता भी नहीं हूँ। बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुद्दत दी जाएगी, यानी कि कोई टाइम दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी कई यानी कि 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद टाइम ऐसा दिया जाता है। मैंने देखा है कि पहले भी ऐसा टाइम दिया गया है 1-2 दफा कि तमाम तर ऐसे अफराद जिनके भाई हरूफ वगैरह हैं या वो जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, वो सऊदी अरबिया से अपने कंट्रीज में जा सकते हैं, उनको भाई कोई रोकथाम नहीं है, आए अपना नाम दर्ज वगैरह करें, टिकट लें और जाएं। तो इसकी मुद्दत का या तो इंतजार कर लें, उस टाइम का इंतजार कर लें, अगर वो भी नहीं करना है तो फिर यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, निजाम अल सऊदीया की तरफ से एक ट्वीट कर दी गई है, लेकिन इसके मुतल्लक एक मसला है, वो आपको भाई आगे वीडियो में शेयर कर देता हूं। आप जैसे ही इसके ऊपर नीचे देखें खुरुज अल नहाई लिखा हुआ है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका जीमेल अकाउंट बोलेगा, वो पूछेगा इसी से ओपन करना है, आपने ओके कर देना है, बस। उससे आगे आपका इकामा नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, जैसा कि अफसर में आपका भाई मुकम्मल डाटा शो होता है, इसी में वहां पर आपका मुकम्मल डाटा शो हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप खुरुज नगाई लगाना चाहते हैं, आप खुद से यानी कि अपने मोबाइल से आप भाई लगवा सकते हैं, किसी भी पढ़े लिखे बंदे को दे दीजिए मेरा खुरुज, या आप माशाल्लाह खुद से भाई इतना इल्म रखते हैं तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करें बस। और अभी बात कर लेते हैं भाई वो जो मैंने आपको बताया था इसमें क्या मसला है। इसमें मसला ये है कि वो तमाम तर अफराद जो भाई ये खुरुज नहाई यहां से खुरुज नहाई लगाना चाहते हैं, उनके इकामे एक्सपायर नहीं होने चाहिए, ये अपने जहन में रखिएगा जी। इकामा एक्सपायर वाला बंदा यहां से खुरुज नहीं लगवा सकता है, क्योंकि उसका इकामा ही एक्सपायर है, उसका भाई कोई डाटा वगैरह भी नहीं शो होगा। तो वो बंदा उसी मुद्दत का इंतजार करे, उस टाइम का इंतजार करे जो सऊदी गवर्नमेंट देगी, और मेरे हिसाब से ये चंद यानी कि बोले 3-4 माह में हो सकता है ऐसा कुछ टाइम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए। ये भाई कहने की बातें हैं, इस पर बाकी जो भी मुकम्मल डिटेल या तफसीलात आएंगी वो आपके साथ वक्तन फक्तन शेयर करता रहूंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।